लेकिन विवेक जी आपसे शुरू करते हैं, ये राज ठाकरे की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? क्या उद्धव ठाकरे को लेकर बीजेपी के अंदर घबराहट है, चिंता है कि जिस तरह से उस पार्टी को तोड़ा फोड़ा गया है, उसको नुकसान पहुंचाया गया है और तभी से कहा जा रहा है कि उस पार्टी के पक्ष में एक सहानुभूति है। इसी तरह से एनसीपी के पक्ष में भी सहानुभूति बताई जाती, जिस तरह से अजित पवार ने धोखाधड़ी की या टूट फूट की या तोड़ टूट के उधर चले गए। क्या है बीजेपी को राज ठाकरे की जरूरत क्यों पड़ रही है उद्धव ठाकरे से निपटने के लिए? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मुकेश जी, सबसे पहले हमें महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसको, उसका एक कल्चर है, उसकी एक संस्कृति है, उसको समझना होगा। महाराष्ट्र में कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं थी जिस तरह की राजनीति मोदी और शाह के जोड़ी ने पिछले 5-10 सालों में महाराष्ट्र में लाई है। महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल कल्चर महाराष्ट्र का जो है उसमें भले ही राइवल्स रहे हो, पॉलिटिकल राइवल्स रहे हो लोग, लेकिन आपस में बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध सबके रहे हैं। तो शरद पवार और बाला साहब ठाकरे ये एक दूसरे के बहुत करीबी मित्र थे, ये भी सब जानते हैं। उसी तरह से अक्रॉस द पार्टी लाइंस सारे लोगों की, नितिन गडकरी शरद पवार, नितिन गडकरी बाला साहब ठाकरे, इस तरह से अलग अलग पार्टियों के बीच में एक पर्सनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर बहुत अच्छे संबंध हमेशा ही महाराष्ट्र में रहे और एक दूसरे के मंचों पर भी वो जाते रहे। मतलब सारे लीडर्स एक साथ भी कई बार देखे गए हैं। हालांकि थोड़ी सी नोकझोंक भी होती रही और क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा पिंच लेना कहीं इधर उधर से ये भी रहा, लेकिन वो ह्यूमर के लेवल पे रहा। हमेशा ही इस तरह का वातावरण महाराष्ट्र में रहा। पिछले 10 सालों में जिस तरह की राजनीति मोदी शाह के रिजीम ने लाई है उससे पूरी तरह से महाराष्ट्र के राजनीति का जो वातावरण है वो विषेट हो गया है, वो खराब हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए एनसीपी और शिवसेना को जिस तरह से तोड़ा है बीजेपी ने, वो कतई महाराष्ट्र की जनता ने पसंद नहीं किया है, इसमें कोई शक नहीं। और उद्धव ठाकरे जिनके पिताजी ने ये पार्टी एस्टेब्लिश की, उस पार्टी का नाम और उस पार्टी का सिंबल जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के गुट को दिया गया और उसी तरह से बिल्कुल उसी तर्ज पर शरद पवार की एनसीपी का पूरा सिंबल और उसका नाम अजित पवार को दिया गया, तो ये महाराष्ट्र की जनता जो है, जो एक प्रबुद्ध जनता है और महाराष्ट्र में जिस तरह का मैंने कहा पॉलिटिकल कल्चर भी है, बहुत ही मैच्योर एक पॉलिटिकल कल्चर रहा है, उस बैकग्राउंड को देखते हुए ये जो सब बीजेपी का खेल है ये जनता में कतई इसके लिए पसंदी नहीं है। तो ऐसे में जब सिंपथी जो है वो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के तरफ है, इसमें कोई शक नहीं। और आज भी इस बात का डर बीजेपी के मन में है कि जब एक्चुअली इलेक्शन होगा, जब पोलिंग होगा, तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार इनके पक्ष में ज्यादा मत पड़ेंगे। ये बात सही है कि उन्होंने उनकी ताकत कम की है, उद्धव ठाकरे मतलब शिवसेना की जो ओरिजिनल शिवसेना है उसकी ताकत कम हुई है, शरद पवार की ताकत कम हुई है, लेकिन वो इतनी कम नहीं हुई कि जो बीजेपी को एक डिसाइसिव विक्ट्री दे पाए। आज भी एमवीए की ताकत जो है वो काफी हद तक कम से कम बराबरी में तो भी है, वो कम नहीं हुई है। बीजेपी और उसका जो एनडीए अलायंस है उसके बराबरी में कम से कम है। मतलब नहीं कुछ तो आधी सीटें तो बिल्कुल दोनों गुटों को जाएगी, इस तरह की स्थिति है। पिछली बार जैसा 41 सीट लेकर बीजेपी अलायंस गया था, मतलब वो तो शिवसेना के साथ था, तो वो तो अभी स्थिति नहीं रही, शिवसेना उनसे चिटक गई है। तो कुल मिलाकर इस तरह का एक वातावरण महाराष्ट्र में बना है कि बीजेपी की जो गंदी राजनीति है उससे लोग उकता गए हैं। और जिस तरह से भ्रष्टाचार के नाम पे लोग, भ्रष्टाचार के का मुद्दा बनाकर लोगों के नाम लिए गए और उन्हीं लोगों को पार्टी पे लिया गया, ये भी महाराष्ट्र की जनता में इसका बहुत खराब संदेश गया है। ये एक आमतौर पर हिंदी बेल्ट में जिस तरह से बीजेपी को एक्सेप्टेबिलिटी है, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, कितना भी खराब काम कर ले, एक बार बीजेपी के लिए मन बना लिया है हिंदी बेल्ट में लोगों ने, तो वो बीजेपी के साथ ही जा रहे हैं। इस तरह का चित्र महाराष्ट्र में नहीं बन सकता, क्योंकि महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव थिंकर्स का, प्रोग्रेसिव विचारधारा को मानने वाला एक स्टेट है। इसलिए बीजेपी की उस तरह से चलती नहीं है महाराष्ट्र में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, जिस तरह से बाकी हिंदी बेल्ट के राज्यों में देखने को मिलेगी, उस तरह से बीजेपी को मान्यता महाराष्ट्र में नहीं है, और ये बीजेपी खुद जानती है। इसलिए अभी समेट कर जितने भी लोग अपने साथ वो लेना चाहती है, वो लेने की कोशिश कर रही है। जहां तक राज ठाकरे का सवाल है, दो चीजों के लिए उनको लिया गया है ऐसा बताया जा रहा है। एक तो मराठी जो वोट है शिवसेना का, उसको शिवसेना से तोड़ने के लिए, और दूसरा उनका जो ओरेटोरिकल स्किल है, मतलब वो जिस तरह से भाषण वगैरह करते हैं, उसका फायदा होगा ऐसा बीजेपी का मानना है। मेरा मानना ये है कि जिस भाषण का फायदा खुद राज ठाकरे के पार्टी को नहीं हुआ, जिस वक्तृत्व का फायदा खुद उनके पार्टी को नहीं हुआ, वो बीजेपी को क्या होने वाला है। तो ये मुद्दा ही उनके वक्तृत्व शैली का जो मुद्दा है, वो मुझे लगता है बिल्कुल ही रिलेवेंट है इस मामले में। और जहां तक मराठी वोटों का सवाल है, मुझे नहीं लगता वो राज ठाकरे की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो 2009 के बाद जो राज ठाकरे के पार्टी का एक पतन हुआ है, वो मराठी वोट भी उनकी तरफ कभी भी नहीं रहे। तो क्या आज वो बीजेपी के साथ चले जाने से मराठी वोट जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की राजनीति जो है वो गुजराती लॉबी की राजनीति है। ये भी एक विमर्श महाराष्ट्र में चला है, जिसके चलते मराठी वोट जो है वो बीजेपी से हमेशा ही दूर रहेंगे। ये बीजेपी का एक डर है, इसलिए भी राज ठाकरे को लेने की कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है ये खेल जो है वो बहुत फायदेमंद बीजेपी के लिए होगा, ऐसा नहीं लग रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।